सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं धर्मेश जोशी आपका स्वागत करता हूँ astrophlix.com में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर महीने के राशिफल के बारे में। मित्रों, यह वीडियो पूरा देखें। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष टिप्स देंगे। महीने के प्रारंभ में आपके सातवें भाव में शुक्र, सूर्य और आठवें भाव में बुध शनि का भ्रमण होगा। ऐसे में आपको आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हो सकता है, अतः पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। हालांकि आपको गुप्त या आकस्मिक धन मिल सकता है। संतान को कष्ट हो सकता है अथवा संतान का वियोग होगा। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। खेलकूद से जुड़े जातकों को भाग्य आजमाने का अवसर मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ किसी भी विषय में निरर्थक गलतफहमी से मनमुटाव होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में पड़े जातक शांति से समय व्यतीत करें। महीने के मध्य में नौकरी पेशा वर्ग को अपने अधिकारियों के लिए लड़ना पड़ेगा। दूसरे पखवाड़े की शुरुआत में जमीन, मकान, वाहन से संबंधित सवाल उत्पन्न होंगे। प्रेम संबंधों में वाणी पर संयम रखें, अन्यथा संबंध टूट सकते हैं। अगर आप लेखन के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपकी कलम से क्रिएटिव लेखन होगा। महीने के अंतिम सप्ताह में व्यावसायिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता अधिक रहेगी। इस समय आपको आकस्मिक लाभ मिल सकता है। हालांकि अष्टम स्थान में सूर्य शनि की युति आपके मान सम्मान की हानि कर सकता है। इस समय विशेष रूप से सरकारी या कानूनी विवाद में फंसने की आशंका है। ऐसे में इस समय और सतर्क रहे। चलिए, समय आ गया है गुरु ज्ञान का। हो सके तो आपको शुक्र का मंत्र करना चाहिए। शुक्र का मंत्र है हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यम। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी दुविधा या प्रश्न है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और बात करें हमारे एक्सपर्ट ज्योतिषियों से। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।